जीना है मुझे अपने पिज्जा टेंट के लिए, तो जीना है मुझे अपने पिज्जा हाउस के लिए। अभी क्या सदमा सोच रहा है मुझे, इतना भी खुश मत हो, और वैसे भी रिबन तो मैं ही काटूंगी। तू रिबन काटेगी, अपनी शक्ल लेके बोनी गएगी, बोंच गएगी। अपनी बड़ी बहन से ना जबान मत लड़ा, रिबन तो मैं ही काटूंगी। अबे वो तो वक्त ही बताएगा जो कौन काटेगा और कौन नहीं काटेगा। बड़ी हम बहुत ज्यादा लेट हो गए, चल अपने पिज्जा शॉप पे चलते हैं। अरे मामा मैं तो भूल ही गई थी, चल छोटी। चल बड़ी। अब मैं कट करती हूँ अपनी पिज्जा शॉप को। अबे ओ तुझे एक बार में समझ नहीं आती ना, मैंने बोला ना कि रिबन मैं काटूंगी, ला कैची दे मुझे। क्यों भाई तू क्यों काटेगी, तू कहीं की प्रधानमंत्री है क्या? मैं रिबन काटूंगी, और वैसे भी पिज्जा शॉप खोलने का आइडिया मेरा था ना कि तेरा। वैसे भी मैंने इसको ना पाई पाई करके बनाया है अपने कंजक के पैसों से, इसका रिबन तो मैं ही काटूंगी। हाँ तो क्या हुआ भाई, मैंने भी अपना पिगी बैंक तोड़ के ये शॉप बनाई है। हाँ, जो भी है मैं काटूंगी रिबन, मैं काटूंगी रिबन। अरे बॉस बॉस माय नालायक किड, क्यों तुम ऑलवेज फाइटिंग्स करते रहते हो, इतनी दिक्कत है तो रिबन मैं कटिंग कर देती हूँ। क्या मम्मी, जब देखो तुम हमेशा सिर्फ लड़ाई करते रहते हो, इतनी देर में ना मैं रिबन काट के ना शॉप स्टार्ट भी कर देती और सारे पिज्जा भी खा जाती, मेरा मतलब है बेच देती। लाओ लाओ ये मुझको दो। अरे तुम दोनों क्या ये मुंह सड़ाई सड़ाई घूम रहे हो, एक काम करते ना अच्छा सा फोटो लेते हैं। ठीक है। चलो अब अपना अपना काम बांट लेते हैं, मैं बनूंगी इस पिज्जा शॉप की मालिक और आप दोनों बनोगे मेरे कस्टमर। ठीक है चलो चलो, तकलिया तकलिया, मेरा मतलब कि बाहर में जाओ। हेलो, अब अपने पिज्जा की बिक्री करती हूँ। आओ आओ चाइनीज पिज्जा खाओ, आओ आओ इटालियन पिज्जा खाओ, आओ आओ नेपाली पिज्जा खाओ। बहन जरा कलकत्ते वाला पान लगा दियो। ये पान की दुकान दिखती है, यहाँ पान वान नहीं मिलते। ठीक है आधा किलो भिंडी दे दे फिर। यहाँ पे भिंडी भी नहीं मिलती। हाँ तो घिया तो होएगा ना। अरे भाई ये सब्जी मंडी थोड़ी है, ये पिज्जा की शॉप है, यहाँ पिज्जा मिलता है। पिज्जा खाना तो बताओ नहीं तो बाढ़ में जाओ। अच्छा वो पिज्जा जो तुम रोटी में सब्जी लगाते हो और थूक लगा के सबसे बहुत सारे पैसे मांगते हो। वही 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 वही। चलो फुट मेरे को नहीं खाना फिर। टाइम खोटी कर दिया मेरा। वो अदिति बेटा आज ना मैं तुम्हारा फेवरेट वो दाल बना रही हूँ, तो थोड़ा नमक खत्म हो गया है, वो मिल जाएगा क्या? हाँ जी मम्मी, आपको कैसे मना कर सकती हूँ, ले जाओ नमक। वो अदिति बेटा वो दाल में ना छौंक लगाने के लिए देसी घी खत्म हो गया, थोड़ा सा दे दो प्लीज। देती हूँ मम्मी देसी घी, ये लो। थैंक यू। बेटा मैं सोच रही थी कि वो जब तक दाल बन रहा है तो मैं तुम्हारे लिए प्यारे प्यारे टोस्ट बना दूं, तो उसके लिए वो थोड़ा सा। अरे बस करो मम्मी, दाल दे दो, चीनी दे दो, नमक दे दो, घी दे दो, पूरी दुकान ही ले जाओ ना आप तो। अरे सब ले जाओगी तो मैं अपने कस्टमर के लिए इटालियन पिज्जा कैसे बनाऊंगी। क्या कस्टमर, अबे वो तुझे पिज्जा बनाना आता भी है नहीं आता, तेरी बस की नहीं है कुछ बड़ी, ठीक है ना? अभी तुझे बताती हूँ छोटी कि मेरे बस की क्या है और मेरे बस की क्या नहीं। इधर अब बंद रहिया। अरे अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? मम्मी आप उसको जाने दो, मैं छोड़ूंगी। अच्छा आप आज में मम्मी सुई जरा। एक चढ़ा कोई भी जी आ रहा, पर
मक्खी आ रही है दुकान में, आजा आजा। मड़ी मैं तुझ पे एहसान करने आई हूँ। क्या एहसान करने आई हूँ दादी माँ? मड़ी ये तेरी दुकान वैसे भी चल नहीं रही है, तो मैं तेरा सड़वा पिज्जा खा के बताऊंगी कि तेरे को पिज्जा बनाना आता भी है या नहीं आता है। अच्छा तो तुम तैयार हो मेरा चाइनीज प्यारा सा फार्म हाउस मार्गरीटा चीजी डबल मार के मक्खन थूक मार के पिज्जा खाने के लिए? तैयार हो अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए? ठीक है ठीक है, अभी बनाती हूँ पिज्जा, स्वाद आ जाएगा तुम्हें अभी। तो बस बन गया मेरा चाइनीज डबल चीजी मक्खन मार के टमाटो केचप डाल के लहसुन प्याज का छोक डाल के खाओ अब ये देसी पिज्जा। ये पिज्जा है क्या पत्थर है? तुझे पिज्जा बनाना नहीं आता क्या? दांत तोड़ दिया मेरा तूने, हैं? तेरी बस की नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं बना सकती। हट, साइड हो, मैं बनाती हूँ पिज्जा। कैसे बनाते हैं? टेंटर है, लाल मिर्च और काली मिर्च से मेरा हलवा बन चुका है। नहीं नहीं मतलब पिज्जा देखा। ये पिज्जा है, ये पिज्जा है या खिचड़ी है, है? मुझे पिज्जा बनाना नहीं आता। मुझे तो तब से बोल रही थी मेरे दांत तोड़ दिया है, मेरी फुंती आ गई है, मेरा पिज्जा खा के खुद का पिज्जा देखा है? अरे इसे तो कोई बीमार भी ना खाए, अंधा भी ना खाए। छी बड़ी, कम से कम मेरी सामान में तो बेइज्जती मत कर, बच्चे है ना, कभी कभी गलती हो जाती है। बच्ची है? बच्ची आधे उम्र की घोड़ी होती जा रही है दादी अम्मा, बच्ची कोई काम की नहीं है। कैसे यार छोटी, मैं सोच रही थी कि हम सारा काम एक साथ करते हैं, है ना? हम लड़ते भी एक साथ हैं, खाना भी एक साथ खाते हैं, दूसरे की पिटाई भी अच्छे से एक साथ करते हैं, क्यों ना हम पिज्जा भी अच्छे से बनाए वो भी एक साथ। फिर देख हमारी शॉप में भीड़ ही भीड़ लग जाएगी, सब तो हमारी दुकान से पिज्जा खाएंगे, क्या कहती है? हाँ बड़ी सही कह रही है, तूने मेरी मुंह की बात छीन ली, चल थूक को लगा के पिज्जा बनाते हैं। चल थूक लगा के पिज्जा बनाते हैं। यार छोटी सही आइडिया दिया है यार मैंने। फिर छोटी हम पूरे दिल्ली में ही नहीं, पूरे स्टेट में ही नहीं, पूरी कंट्री में ही नहीं, पूरे विश्व में ब्रह्मांड में फेमस हो जाएंगे। फिर सब हमें याद करेंगे पिज्जा छोटी और बड़ी के नाम से, है ना? हाँ। चल मिलके पिज्जा बनाते हैं। टंटन बन गया हमारा देसी पिज्जा। छोटी लोगों को हमारा ये पिज्जा पसंद आएगा? अरे बड़ी हमने इतनी मेहनत खून पसीना बहा के ये पिज्जा बनाया, लोगों को तो जरूरी पसंद आएगा, वो तो हमारे हाथ ही चुमते रह जाएंगे। तो फिर वेट करते हैं लोगों का। यार बहुत देर हो गई छोटी, एक भी कस्टमर नहीं आया अभी भी। आगे बड़ी हम मम्मी को टेस्ट करवाते हैं पिज्जा अच्छा बना है या नहीं बना है। वाह छोटी आइडिया तो बढ़िया है, पर अगर मम्मी को भी अच्छा नहीं लगा पिज्जा तो फिर पिज्जा का क्या करेंगे? वो पिज्जा हम ही खा लेंगे। वाह वाह ये बढ़िया ये बढ़िया, ठीक है मम्मी को बुलाते हैं। मम्मी 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 मम्मी, अरे अरे क्या हुआ, मेरे लिटिल किड्स ने बुलाया? हाँ मम्मी, वो ना हमने पिज्जा बनाया था इटालियन देसी डबल थूक लगा के, मेरा मतलब कि डबल मक्खन मार के, ये आप प्लीज टेस्ट करके बताओगे कि कैसा बना है ये पिज्जा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने पिज्जा बनाया तो मैं क्यों नहीं खाऊंगी, लाओ लाओ। अच्छा तो बना होगा ना छोटी, मुझे डर लग रहा है। अरे हाँ हाँ अच्छा लगेगा, जब हमने इतनी मेहनत से बनाया एक साथ। तो फिर मम्मी इतने घूर घूर के आके फाट के क्यों देख रही है? मुझे तो लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, दाल में कुछ जरूर काला है।
मम्मी से पूछती हूँ। अरे मम्मी बताओ ना, ऐसे क्यों घूर रहे हो, कैसा बना है पिज्जा? अरे वाह माय लिटिल किड्स, ये तो बहुत ही लाजवाब बना है। वही मैं सोचूं तुमने इतना यम्मी पिज्जा बना कैसे लिया। खैर बनाते भी क्यों नहीं, तुम दोनों अपनी माँ पे जो गए हो, जब तुम्हारी माँ इतना अच्छा खाना बनाती है तो तुम दोनों में ये गुण तो आने ही है। सच्ची? हाँ। अच्छा तो छोड़ो, इसकी रेसिपी बताओ, आज रात को ना तुम्हारे बाप को भी यही खिला दूंगी। क्या क्या डाला था तुमने इसमें बताना जरा। अरे मम्मी यही सब डाला है, जो आपके सामने यही सब डाला है हमने इस पिज्जा में। अच्छा अच्छा बेटा ये बताओ ये क्या है? मम्मी ये सरसों का तेल है। सरसों का तेल तो पिज्जा में डलता ही है, आपका तो पता ही है बिना तेल के पिज्जा कैसे बनेगा। ये सरसों का तेल है बेटा, ये सरसों का ऑयल नहीं है, ये बर्तन मांजने वाला सर्फ है। क्या? हाँ। और ये ग्रीन ग्रीन क्या है? अरे मम्मी ये तो आपको पता ही है, ग्रीन ग्रीन तो ये धनिया ही होता है। अरे माई लिटिल किड्स, ये धनिया नहीं है, ये जमाल घोटा है। क्या? तभी सोचो मेरे पेट में गुड़ गुड़ क्यों हो रहा है। पर मम्मी इसका तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो पक्का सफेद नमक होगा, है ना? ये देखो सफेद है तो नमक ही होगा। दिखाना जरा बेटा। लो लो आराम से चेक करो मम्मी। बेटा ये नमक नहीं है, ये तुम्हें पता है चूहे को बेहोश करने वाला पाउडर है। क्या? हाँ। ये मुझे क्या हो रहा है? छोटी बड़ी मम्मी तो बेहोश हो गई। अरे बड़ी हम जल्दी से यहाँ से, 9:50 हो जाते हैं, अगर मम्मी को भी होश आ गया ना तो मम्मी हमें मार मार के बेहोश कर देंगी। हाँ मार मार के हमें बेहोश भी कर सकती है। चल छोटी जल्दी भाग, जल्दी जल्दी। हे गाइस, तो कैसे आप सब और कैसी लगी आपको वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीदियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी को मत भूलना। और देखो अब इतना पिज्ज़ा खा नहीं सकते तो हमने यही पिज्ज़ा समझ के खा लिया है। देखो हमारे पास प्लास्टिक वाले पिज्ज़ा भी, अगर आपको खाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको ज़रूर भेज दूँगी। चलो अब मैं मिलती हूँ एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ जल्दी, तब तक के लिए बाय, लव यू, जय बजरंगबली।